बताने जा रही हूँ चने की दाल से नमकीन बनाना। मैंने पहले वीडियो में डाला था कि मैंने चने की दाल को सोक करके रख दिया था, फिर उसको मॉर्निंग में सोक किया था मैंने 3-4 घंटे के लिए। फिर मैंने उसको पानी निकाल कर उसको इस तरह के कॉटन के कपड़े पे मैंने फैला के धूप लगा दी। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा इस तरह से हो गया, बिल्कुल पानी सूख गया, फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसको तेज़ गर्म पे इस तरह डाल देंगे। और मैंने मूंगफली को रोस्ट करके रख लिया है। इसमें आवश्यक सामग्री है काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग, इसमें काली मिर्च, साबुत धनिया, जीरा और सौंफ को तवे पे इस तरह रोस्ट करके, कड़ी पत्ता को भी तवे पे रोस्ट कर लिया है। और मैंने इसको ऐसे क्रश करके बेलन से बारीक कर लिया है। और ये मेरी चने की दाल बनके हो गई है रेडी। अब हम इसको घर की सहायता से निकाल लेते हैं। इसकी फ्लेम कर दिए कम, निकालते समय जल जाएगा नहीं। जब आप चने की दाल भिगोते हो तो उसमें आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल सकते हैं, मीठा सोडा जो होता है। ये देखिए हमारी चने की दाल हो गई है रेडी। वो कपड़े की सहायता से पकड़ के इस तरह डाल रही हूँ। हमारी चने की दाल की नमकीन बनके हो गई है रेडी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी नमकीन को हमने तल लिया है, चने की दाल की नमकीन। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता लीव, ये सारे मसाले जो हमने रोस्ट किए हैं ये मिक्स करेंगे इसमें। पहले हम चेक कर लेते हैं। तो धनिया, सौंफ, हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, ये है सादा नमक, ये है काला नमक, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली। अब हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे और थोड़ा अमचूर पाउडर। हमारा ये मसाला डालने के बाद में आपको इसमें चाट मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसको नींबू निचोड़ के भी खा सकते हैं, प्याज वगैरह कट करके। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर।
मैंने जितना मसाला भुना था उतना मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तैयार हो गया मसाला। उसमें से मैंने देखो मसाला बचा भी दिया है मसाला। अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट मूंगफली दाना। तो गाइस आपको ये मेरी चने की दाल और मूंगफली की नमकीन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है, आप खुद देख सकते हैं। देखो इस तरह आवाज़ भी कर रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है, सीख चुकी है। अगर आपको मेरी आगे भी और मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए डालती रहूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।